गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। इट्स आवर साइंस क्लास एंड टुडे वी विल स्टडी आवर लेसन 5। लेसन 5 टॉपिक द एनिमल्स वर्ल्ड। द एनिमल्स वर्ल्ड आज का हमारा टॉपिक क्या है? एनिमल्स वर्ल्ड। लास्ट क्लास में हमने प्लांट्स वर्ल्ड पढ़े थे। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? प्लांट्स वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। आज हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में। प्लांट्स में हमने 3 क्लास कर चुके थे, प्लांट्स वर्ल्ड, फिर पार्ट्स ऑफ प्लांट, फिर फूड फ्रॉम प्लांट। ये तीनों चैप्टर तो हम लोग को क्लियर होगा। आज हम लेसन 5 करेंगे जो कि हमारा है एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में है? एनिमल्स के बारे में। द एनिमल्स वर्ल्ड, द एनिमल्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है द एनिमल्स वर्ल्ड। मतलब एनिमल्स की दुनिया। एनिमल्स की दुनिया, जैसे प्लांट्स की दुनिया थी, हम इंसानों की दुनिया है, वैसे एनिमल्स की भी तो दुनिया है। एनिमल्स की भी तो दुनिया है। एनिमल्स भी तो बहुत सारे हैं। कितने सारे एनिमल्स है, काउंट कर सकते हो क्या? नहीं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें काइंड्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स कितने काइंड्स के होते हैं, एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं, और वेयर डू एनिमल्स लिव। एनिमल्स रहते कहाँ हैं? एनिमल्स रहते कहाँ, हम कहाँ रहते हैं? घर में। पेड़ कहाँ रहते हैं? बाहर, या तो घर के बाहर रहेंगे या फील्ड वगैरह में रहेंगे। कुछ कुछ पेड़ हमारे घर में भी रहते हैं, गमला में हम लोग लगाते हैं ना। तो एनिमल्स कहाँ रहते हैं? एनिमल्स का भी तो कहीं रहने का जगह होगा ना। तो इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें। देखो, वी सी मेनी एनिमल्स अराउंड अस। ईच एनिमल्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। हम लोग अपने आसपास कितने सारे एनिमल्स देखते हैं? बहुत सारे। और अच्छा ये बताइए कि हर एनिमल्स का क्या एक ही शेप और साइज होता है? नहीं, जैसे डॉग, डॉग देखियो, कैट देखियो, रैट देखियो, तीनों का साइज एक जैसा है क्या? नहीं, रैट छोटा सा, फिर कैट उससे थोड़ा सा बड़ा, और फिर डॉग उससे भी बड़ा, डॉग उससे भी बड़ा। फिर अगर हम और आ जाए एलिफेंट पे, सबसे बड़ा होते हैं। फिर हॉर्स कितना लंबा होता है? होते हैं काऊ, काऊ तो सबके घर में होगा, देखो कितने मोटे होते हैं, होते हैं। तो अब बताओ काऊ का और रैट का कंपेयर करो, सोचो हो सकता है? एक कितना बड़ा सा होता है, कितना छोटा सा होता है। या फिर एंट, चींटी देखियो कितना छोटा होता है, और वही देखो एलिफेंट कितना बड़ा होता है, होता है। तो एनिमल्स की भी दुनिया है, और एनिमल्स भी हर एक शेप और साइज के होते हैं, हर एक शेप और साइज के होते हैं। एनिमल्स लाइक जिराफ, एलिफेंट, डायनासोर, कंगारू, डियर एंड लायन आर बिग एनिमल्स। इसमें भी बिग और स्मॉल एनिमल्स होते हैं, इसमें भी बिग और स्मॉल एनिमल्स होते हैं। जैसे हम लोग प्लांट में पढ़े थे ना, बिग प्लांट और स्मॉल प्लांट, इसमें भी बिग एनिमल एंड स्मॉल एनिमल होते हैं। अभी हम लोग देखें दो चार एनिमल्स के बारे में बात किए, तो आप लोग देखें कि कोई कितना बड़ा और कोई कितना छोटा है। तो देखो, जिराफ, एलिफेंट्स, डायनासोर्स, कंगारू, बियर एंड लायन, ये सब कौन सा एनिमल है? बिग या स्मॉल? बिग। ये सब हमारे बिग एनिमल है। ये सब क्या है? बिग एनिमल है। जैसे एनिमल्स और ले लो, रैट, मोल्स, रैबिट और स्मॉल एनिमल्स, ये सब कौन से एनिमल्स है? स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, लाइक बी एंड बटरफ्लाई। बी मतलब मक्खी एंड बटरफ्लाई मतलब तितली। बटरफ्लाई मतलब तितली। आर वेरियस स्मॉल एनिमल्स, ये बहुत छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। यानी कि एक तो हमारा बड़ा आया, एक छोटा आया, और एक बहुत छोटा आया, एक बहुत छोटा आया। कितने पार्ट हो गए? 3। कौन कौन? बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल। बिग, स्मॉल, वेरी स्मॉल। बहुत छोटा हो गया, वो वेरी स्मॉल हो गया, फिर उससे थोड़ा बड़ा वाला स्मॉल हो गया, और फिर बड़ा वाला तो बिग हो गया। तो बिग एनिमल्स में कौन कौन आ जाएंगे? एलिफेंट, जिराफ, कंगारू, लायन, ये सब कौन से एनिमल हो जाएंगे? बिग एनिमल। ये सब क्या हो जाएंगे? बिग एनिमल।
रैबिट और इंसेक्ट जो कि वेरी स्मॉल होते हैं. वेरी स्मॉल में क्या क्या आ जाएंगे? बीज एंड बटरफ्लाई. बीज एंड बटरफ्लाई और भी बहुत सारे होंगे. चलो तो अब हम आ जाए अपने टॉपिक पे. एनिमल्स के बारे में इतनी बातें तो समझ में आ गई. इतनी बातें समझ में आ गई ना. अब हम काइंड्स ऑफ एनिमल्स क्या करते हैं, क्या है काइंड्स ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के प्रकार, एनिमल्स के प्रकार, एनिमल्स भी बहुत टाइप के होते हैं. जैसे वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, ये सब क्या है एनिमल्स के काइंड्स है. एनिमल्स के काइंड्स है. तो फर्स्ट हमारा है वाइल्ड एनिमल. फर्स्ट क्या है हमारा? वाइल्ड एनिमल. वाइल्ड बोलना जंगली जानवर. वाइल्ड मतलब जंगली जानवर. एनिमल्स लाइक लायन, एलिफेंट, टाइगर एंड डियर लिव इन द फॉरेस्ट. कहाँ रहते हैं? लिव इन द फॉरेस्ट. लिव इन द फॉरेस्ट दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. वैसे एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल. तो वैसे एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं जैसे लायन, एलिफेंट, टाइगर, डियर, तो ये सब जो एनिमल्स हैं उसको हम क्या बोलेंगे? वाइल्ड एनिमल. क्या? वाइल्ड एनिमल. अच्छा बात बताओ, लायन को घर में रख सकते हो क्या अपने साथ? लायन को रख सकते हो? नहीं. एलिफेंट को अपने साथ घर में रख सकते हो? नहीं. टाइगर को रख सकते हो? नहीं. डियर, हिरण को रख सकते हो? नहीं. बियर, भालू, ये सबको अपने साथ हम घर में नहीं रह सकते. ये सब कहाँ रहते हैं? जंगल. फॉरेस्ट में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. वैसे एनिमल्स जिनको हम अपने साथ घर में नहीं रख सकते हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वैसे एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. अगर आप लोग से पूछे वाइल्ड एनिमल्स किसे बोलते हैं तो क्या बताओगे? जंगली जानवर. तो उसका हिंदी मीनिंग हो गया. बताएंगे क्या आप उसके बारे में? वैसे एनिमल्स जिसको जो कि कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में. जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं वैसे एनिमल्स को हम वाइल्ड एनिमल बोलते हैं. वैसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल. एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर, डियर लिव इन फॉरेस्ट. लिव इन फॉरेस्ट दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. इसके एग्जाम्पल्स में क्या क्या हो जाएंगे? लायन और टाइगर और खेत जोतने के लिए. किसके लिए? प्लाउ द
फेल्ड, बट अब तो उसका काम हम ट्रैक्टर से करवा देते हैं। और गोट, गोट को क्यों रखते हैं? या तो उसको हम मीट के लिए रखते हैं, अदरवाइज या उससे हमें मिल्क मिलता है। गोट से भी हमें मिल्क मिलता है, पता है ना? यस सर, गोट। तो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स को कहते हैं? जिसको हम अपने किसी काम के लिए रखें या खाने के लिए रखें, अपने किसी काम के लिए या खाने के लिए रखें। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड एनिमल जो फॉरेस्ट में रहते हैं। देखो, सम एनिमल्स लाइक काउ एंड हॉर्स आर टेम्ड फॉर फूड एंड वर्क। वैसे एनिमल जिसको हम लोग टेंड करते हैं, एनिमल्स लाइक काउ एंड हॉर्स आर टेंड, आर टेंड किसके लिए टेंड करते हैं? इसको हम किसके लिए रखते हैं? इसको हम फूड एंड वर्क, फूड एंड वर्क। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स। आप लोग से अगर कोई पूछे कि डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? जो काम करने वाले एनिमल्स, दोज एनिमल्स हु आर टेंड फॉर फूड एंड वर्क, दोज एनिमल्स हु आर टेंड फॉर फूड एंड वर्क। वैसे एनिमल्स जिसको हम लोग फूड के लिए, भोजन के लिए या वर्क काम के लिए रखते हैं, तो वैसे एनिमल्स को हम डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे? काउ, काउ क्या आएंगे? काउ और हॉर्स, हॉर्स ऑक्स, ऑक्स और गोट, गोट एक्सेट्रा। ठीक है, और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स में क्या क्या आ गए? काउ, हॉर्स, गोट। काउ, हॉर्स, गोट, ये सब क्या है हमारे डोमेस्टिक एनिमल? क्या है डोमेस्टिक एनिमल? कौन कौन? काउ, हॉर्स, गोट। डोमेस्टिक एनिमल कहते किसको है? काउ, हॉर्स, गोट। उसका डेफिनेशन, दोज एनिमल्स हु आर टेंड फॉर फूड एंड वर्क, फूड एंड वर्क। वैसे एनिमल्स जिसको हम लोग या तो फूड के लिए या तो वर्क के लिए टेंड करते हैं, रखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स क्लियर हुआ? यस। कंफ्यूजन इसमें नहीं। तो हम थर्ड पे आ जाए, पेट एनिमल्स। थर्ड पे आ जाए, थर्ड में आ जाए पेट एनिमल। पेट एनिमल्स क्या करते हैं? एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग, एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग आर केप्ट फॉर प्लेजर, आर केप्ट फॉर प्लेजर, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल, दे आर कॉल्ड केप्ट फॉर प्लेजर। मतलब जिसको हम अपने घर में अपनी खुशी के लिए रखते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, हम कैट, अगर कैट को हम रखें तो उससे हमें क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है? रैबिट, रैबिट होते हैं सबके घर में, रैबिट है तो उससे आपको कोई प्रॉफिट है? नहीं, बस एक क्या है, खुशी है कि हाँ हम रैबिट को रखे हैं। एक क्या है, प्लेजर है कि हम रैबिट को रखे हैं, उसके साथ मन करता है तो खेल लेते हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर जैसे उसको ट्रीट करते हो। तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसको हम अपनी खुशी के लिए अपने साथ अपने घर में रखते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स। पेट एनिमल्स, दोज एनिमल्स हु आर केप्ट फॉर प्लेजर, दोज एनिमल्स हु आर केप्ट फॉर प्लेजर, जिसको हम अपने प्लेजर के लिए, अपने खुशी के लिए अपने साथ अपने घर में रखते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स। डॉग को हम क्यों रखते हैं? ऐसे ही रखते हैं, उसे तो कोई यूज़ नहीं है हमें। हाँ, बस ये होता है कि अगर कोई स्ट्रेंजर आया तो वो भौं-भौं करना स्टार्ट कर देता है, वो बार करना स्टार्ट कर देता है। क्या सारा करता है, प्लेजर के लिए रखते हैं, रैबिट प्लेजर के लिए रखते हैं, ये सबसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बस हम अपने प्लेजर, अपनी खुशी के लिए रखते हैं इसको अपने साथ घर में। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल। क्या क्या आ जाएंगे? तो पेट एनिमल में क्या क्या आ गया हमारे? कैट, डॉग, रैबिट, ये सब किस लिए रखते हैं? अपने प्लेजर के लिए, ये सब अपने प्लेजर के लिए रखते हैं। दोज एनिमल्स हु आर केप्ट फॉर प्लेजर, दोज एनिमल्स हु आर केप्ट फॉर प्लेजर। वैसे
ब्लेजर अपने खुशी के लिए अपने साथ अपने घर में रखते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम पेट एनिमल बोलते हैं। ऐसे एनिमल को क्या बोलते हैं? पेट एनिमल। पेट एनिमल्स देखो, सम एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग आर केप्ट फॉर प्लेजर, दे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स। ये क्लियर हुआ? पेट एनिमल क्लियर हुआ? तो अब आप लोग को ये तीनों क्लियर है ना, वाइल्ड डोमेस्टिक और पेट, वाइल्ड डोमेस्टिक और पेट। इसमें तीनों तीन में से किसी हुए कंफ्यूजन है? नहीं है ना? अगर है तो फिर पूछ सकते हो। चलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो कि कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। जो कि कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? लायन, एलिफेंट, डियर। डोमेस्टिक एनिमल्स जो कि हमारे फूड या फिर काम के लिए रहते हैं, दोज एनिमल्स हु आर टेंड फॉर फूड एंड वर्क, फूड एंड वर्क। तो डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिसको या तो हम घर में किसके रखते हैं, भोजन के लिए या तो काम के लिए, भोजन के लिए या तो काम के लिए। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे काउ, हॉर्स, गोट। काउ से हमें मिल्क मिलता है, हॉर्स से हम अपने घर के काम करवाते हैं, बोझा जिसको कैरी करवाते हैं इसको, गोट या तो हमें से मीट मिलता है या तो मिल्क मिलता है। पेट एनिमल्स दोज एनिमल्स हु आर केप्ट फॉर प्लेजर, ऐसे एनिमल्स जिसको हम अपने प्लेजर के लिए रखते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? पेट एनिमल्स, जैसे कैट, डॉग, रैबिट। कैट, डॉग, रैबिट। इज इट क्लियर? यस मैम। अब हम फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ हमारा वर्ड्स। फोर्थ क्या हमारा? वर्ड्स। वर्ड्स मींस पक्षी। वर्ड्स देखे हो? यस मैम। कहाँ देखे हो? हवा में, आसमान में। आसमान में बर्ड्स आर द फ्लाइंग क्रिएचर, बर्ड्स आर द फ्लाइंग क्रिएचर। जो पक्षी होते हैं वे उड़ने वाली जीव होते हैं, वह उड़ने वाली जीव होते हैं। पक्षी उड़ते हैं? यस मैम। बर्ड्स फ्लाई करते हैं? यस मैम। ये फ्लाइंग क्रिएचर है। ये क्या है? फ्लाइंग क्रिएचर। ये उड़ने वाले जीव हैं, जस्ट लाइक कैट, सॉरी कैट। कैट क्या फ्लाइंग क्रिएचर है? कैट क्या भी उड़ सकते हैं? डॉग? नो मैम। काउ? टाइगर? लायन? नहीं, ये सब उड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो बर्ड्स होते हैं ये उड़ सकते हैं, जस्ट लाइक पैरट। पैरट फ्लाई करते हैं? यस मैम। क्रो? यस मैम। पिजन? यस मैम। स्पैरो? यस मैम। ये सब हमारे बर्ड्स हैं और ये सब फ्लाई करते हैं, ये सब फ्लाई करते हैं, करते हैं। देखो, बर्ड्स आर द फ्लाइंग क्रिएचर, ये उड़ने वाले जीव होते हैं। ऑल बर्ड्स हैव टू विंग्स, ऑल बर्ड्स हैव टू विंग्स। जितने सारे बर्ड्स होते हैं उसके पास दो पंख होते हैं, दो क्या होते हैं? पंख होते हैं। टू लेग्स एंड ए विंग। चार पंख नहीं, सारे पक्षी के पास कितने विंग्स होते हैं? दो। दो विंग्स होते हैं, दो लेग्स होते हैं उनके, और एक बीक होता है। बीक मतलब चोट, बीक मतलब चोट। तो इनके पास क्या क्या होते हैं बताइएगा? टू विंग्स, टू और टू लेग्स, टू लेग्स, टू लेग्स, टू आईज एंड ए बीक, एंड ए बीक मींस चोट। बीक मींस चोट, जिससे वे लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। जैसे वे लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं। हम लोग खाना किसे खाते हैं? अपने माउथ से खाते हैं। तो उसके पास भी माउथ की जगह क्या होता है? बीक होता है, जिससे वे लोग खाना खाते हैं। ठीक है, देखिए खाना खाते हैं। देयर विंग्स हेल्प टू फ्लाई। विंग्स क्यों होते हैं उनके पास? उड़ने के लिए। उड़ने के लिए विंग्स के हेल्प से ही वे लोग क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। वे लोग क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। लेग्स क्यों होते हैं? चलने, चलने के लिए। हमेशा तो फ्लाई नहीं कर सकते ना, कभी कभी चलते भी तो हैं। तो लेग्स क्यों होते हैं? चलने के लिए। और वीक्स, वीक क्यों होते हैं? खाने के लिए। खाने के लिए वीक्स हेल्प देम टू ईट, वीक्स उन्हें खाना खाने में मदद करती है। क्या करने में मदद करती है? खाना खाने। डियर बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स, डियर बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स। उनके जो बॉडी होते हैं वो पंखों से ढके हुए होते हैं। वो किससे ढके होते हैं? पंखों से पूरे ढके होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर स्किन है, हमारा बॉडी पूरा स्किन से कवर है, तो उनका भी जो बॉडी होता है वो पूरा फीदर्स से कवर रहता है, वो पूरा फीदर्स से कवर रहता है। फीदर्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। अच्छा बेटा, हम लोग को ठंडा लगता है, जो हम लोग को गर्मी लगता है तो क्या करते हैं? ठंडा लगेगा तो स्वेटर पहन लेंगे, गर्मी लगेगा तो कोई लाइट कपड़ा पहन के फैन के नीचे बैठ जाएंगे। ऐसा होता है?
हीटर पे मैं गर्म हूँ। ठीक है, लेकिन बर्ड्स के पास क्या करती है? बर्ड्स को ठंडा लगता है तो वो कहाँ जाती है? क्या उनको भी स्वेटर पहनना पड़ता है? नहीं, तो वो जो फेदर होते हैं तो वो उनकी गर्मी से और ठंडे से रक्षा करते हैं, उनकी गर्मी से और ठंडा से रक्षा करते हैं। बर्ड्स ले दियर एक इंडियन एग्स। पक्षी अंडे देती है, पक्षी क्या करती है? अंडे देती है। और अंडे कहाँ देती है? अपने घोंसले में देती है। कहाँ देती है? घोंसले में। पक्षी जो होती है अपने घोंसले में अंडे देती है और फिर उसी अंडे से दूसरे पक्षी निकलते हैं, उनके बेबी निकलते हैं, उसके बेबी निकलते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन फ्लाई। बहुत सारे जो पक्षी हैं वो क्या कर सकते हैं? उड़ते हैं। बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, लेकिन कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं सकते, जो कि उड़ नहीं सकते। तो आप लोग ऐसे पक्षी के एग्जांपल दीजिए जो कि उड़ नहीं सकते। पेंगुइन, 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 बतख, ऑस्ट्रिच, ईमू। ईमू भी एक टाइप के पक्षी होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रिच, ईमू और पेंगुइन ये सब उड़ नहीं सकते, ये सब उड़ नहीं सकते। तो आपसे कोई पूछेगा अगर कि ऐसे बर्ड्स के एग्जांपल्स दो जो कि उड़ नहीं सकते, आपसे कोई पूछेगा बर्ड्स तो उड़ते हैं, बर्ड्स उड़ते हैं ना, उड़ते हैं कि नहीं? तो पहले आप हमें उड़ने वाले बर्ड्स के एग्जांपल दो। कौन कौन है? बर्ड्स के कितने बताए हैं? दो। लेकिन इंसेक्ट्स के
इंसेक्ट्स कितने लेग होते हैं? छह। इंसेक्ट्स के छह लेग होते हैं, कितने? छह। देखो, एंड इनके पास टू पेयर ऑफ विंग्स है, कितना? टू पेयर का मतलब? टू पेयर ऑफ विंग्स मतलब दो जोड़े पंख, यानी कि दो दुनी चार, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, इनके पास चार टू पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। इनके पास कितने विंग्स होते हैं? दो। इनके पास कितने हैं? दो। दो, लेकिन इनके पास कितने होते हैं? चार। इनके पास कितने होते हैं? चार। दो पेयर में होते हैं, दो पेयर में होते हैं। जैसे बटरफ्लाई देखते हो, बटरफ्लाई देखे हो? एनिमल्स विच हैव स्केल्स और हार्ड सेल्स ऑन देयर बॉडी आर कॉल्ड
रेप्टाइल्स वैसे एनिमल्स जिनके पास हार्ड सेल्स होते हैं, जिनके पास हार्ड सेल्स होते हैं, उनके जो बैक पोर्शन होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, जिनसे वो आराम से चल सकते हैं, जिनसे वो आराम से चल सकते हैं मतलब रेंग सकते हैं, मतलब रेंग सकते हैं। छिपकली कैसे रेंगता है? अपने बॉडी के सहारे रेंगता है कि अपने पैर के सहारे? बॉडी के सहारे। कैसे? बॉडी के सहारे। तो उनकी जो सेल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। सेल्स कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। वैसे एनिमल्स को हम रेप्टाइल बोलते हैं और वे अपने बॉडी के सहारे चलते हैं। जैसे लीजा कैसे चलेगा? रेंगता है वो, चलता नहीं है। हाँ, और स्नेक, स्नेक देखियो रेंगता है जैसे ऐसे, क्या करता है? रेंगता तो है, चलता है क्या? जैसे हम चल रहे हैं तो वैसे स्नेक भी चलता है? नहीं, जैसे कैट वगैरह चलते हैं, कैट डॉग रैबिट चलते हैं, क्या स्नेक भी वैसे चलता है? तो नहीं, वो अपने बॉडी के सहारे रेंगते हैं, अपने बॉडी के सहारे क्या करते हैं? रेंगते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? स्नेक और लीजार्ड। क्या हो जाएंगे? स्नेक और लीजार्ड, स्नेक एंड लीजार्ड। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? तो हम पाँच छः पढ़े और छः के बारे में आप लोगों को क्लियर है? छः के बारे में क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे आ जाएं। और अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स रहते कहाँ हैं। एनिमल्स रहते कहाँ हैं? एनिमल्स भी तो कहीं ना कहीं रहते हैं। एनिमल्स भी तो कहीं ना कहीं रहते हैं ना। तो देखो, सम एनिमल्स लाइक कैट डॉग लायन एक्सेट्रा लिव ऑन लैंड। लिव एंड लैंड, चलो से पहले कुछ और बताते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वे कहाँ रहते हैं? जमीन पे। कुछ पानी वाले एनिमल्स होते हैं, कुछ पानी वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश। मछली कहाँ रहता है? पानी में। क्या वो हमारे तरह जमीन पे रह सकता है? नहीं। तो बेशक कुछ पानी वाले एनिमल्स होते हैं और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं, जैसे मेंढक। पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं। और कुछ कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो पेड़ पे रहते हैं। कुछ जो एनिमल्स होते हैं कहाँ रहते हैं? पेड़ पे। जैसे मंकी, मंकी कहाँ रहता है? पेड़ पे। पक्षी, जैसे बर्ड्स के बारे में हमने पढ़े थे, तो ये कहाँ रहते हैं? पेड़ पे। इनके नेस्ट कहाँ रहता है? पेड़ पे। हवा में तो ये उड़ सकते हैं, क्या हवा में अपना घोंसला भी बना सकते हैं? नहीं। तो इनके घोंसले कहाँ रहते हैं? पेड़ पे। इनके नेस्ट कहाँ रहते हैं? पेड़ पे। तो रात में सोने भी कहाँ जाते हैं? पेड़ पे। तो अब हम वन बाई वन करके पढ़ते हैं कि कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं और उनके क्या नाम हैं। तो सम एनिमल्स लाइक कैट डॉग लायन एक्सेट्रा लिव ऑन लैंड। वैसे एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, कहाँ रहते हैं? लैंड पे। लैंड मतलब जमीन। जमीन, तो वैसे एनिमल्स जो कि जमीन पे रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे क्या क्या हो जाएंगे? कैट डॉग लायन, कैट डॉग लायन, ऐसे एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं। कैट कहाँ रहते हैं? जमीन पे। डॉग कहाँ रहते हैं? जमीन पे। लायन कहाँ रहते हैं? जमीन पे। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। फिर कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल्स कहाँ रहते हैं? पानी में। पानी में कौन कौन रहते हैं? फिश, शार्क, शार्क, ऑक्टोपस, व्हेल, ये सब कहाँ रहते हैं? स्टारफिश, ये सब पानी में रहते हैं। ये सब पानी में रहते हैं। तो जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक। क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। तो जो पानी वाले एनिमल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। क्या बोलेंगे? और फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे बताओ? बोलेंगे क्या? एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या बोलेंगे?
जमीन पे नहीं रह सकते, और एम्फीबियंस पढ़े, एम्फीबियंस जो होता है वो हमारा जमीन पे भी रह सकता है और पानी में भी, जमीन पे भी और पानी में भी। अब हम एक और पढ़ते हैं, पूछो क्या अर्बोरियल, क्या पढ़ेंगे अर्बोरियल, ये कहाँ रहते हैं कहाँ रहते हैं पेड़ पे, कहाँ रहते हैं पेड़ पे। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वे पेड़ पे रहते हैं, लिव ऑन ट्री, लिव ऑन ट्री। तो वैसे एनिमल्स जो कि पेड़ पे रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एर्बोरियल, एर्बोरियल एनिमल्स। इसमें क्या क्या आ जाएंगे, मंकी, बर्ड्स, पक्षी, स्क्वायरल, गिलहरी, मंकी, ये सब कहाँ रहते हैं पेड़ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं एर्बोरियल एनिमल्स, एर्बोरियल एनिमल एनिमल्स। तो हम क्या क्या पढ़ें, सबसे पहले हम क्या पढ़े क्रस्टियल, क्या पढ़े क्रस्टियल, सबसे पहले हम पढ़े क्रस्टियल। फर्स्ट नंबर पे क्या पढ़े हम क्रस्टियल। तो आप हमें बताएंगे कि क्रस्टियल क्या है, जो कि कहाँ रहते हैं लैंड पे, जो कहाँ रहते हैं लैंड पे। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या है, डॉग, कैट, लायन। फिर हम पढ़े एक्वेटिक एनिमल्स, फिर हम क्या पढ़े दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़े एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स हमारे कहाँ रहते हैं पानी में, कहाँ रहते हैं पानी में। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हम पढ़े फिश, सी हॉर्स, डॉल्फिन, शार्क, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, जो कि कहाँ रहते हैं पानी। फिर हम पढ़े एम्फीबियंस, फिर हम क्या पढ़े एम्फीबियंस, जो कि कहाँ रहते हैं पानी में भी और जमीन में भी, इन लैंड और ऑन, सॉरी इन वाटर और ऑन लैंड, पानी में भी और जमीन में भी, ऑन लैंड जमीन में भी या इन वाटर पानी में भी। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे एम्फीबियंस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे, फ्रॉग और क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल देखे हो, क्रोकोडाइल का हिंदी मगरमच्छ, मगरमच्छ पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं। हाँ, तो ये एम्फीबियंस है जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, क्रोकोडाइल और फ्रॉग, क्रोकोडाइल और फ्रॉग। लास्ट हम पढ़े एल्गोरियल, लास्ट हम क्या पढ़े एल्गोरियल। तो एल्गोरियल कहाँ रहते हैं, लिव ऑन ट्री, लिव ऑन ट्री। ऐसे एनिमल्स जो कि पेड़ पर रहते हैं उसको हम बोलते हैं एल्गोरियल एनिमल्स। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, बर्ड्स, मंकी, स्क्वायरल, ठीक है, ये सब एर्बोरियल एनिमल्स हैं। तो ये हम चार पढ़े, आपको इसका चारों समझ में आ गया, चारों समझ में आ गया। अब कोई डाउट आप लोग को, इधर हम छह पढ़े काइंड्स ऑफ एनिमल्स में, और फिर इधर हम चार पढ़े जो कि उनके कहाँ कहाँ रहते हैं उनके बेसिस पे, कहाँ कहाँ रहते हैं उनके बेसिस। तो आप बताएंगे कि आपको आज के टॉपिक में से कहीं पे भी कोई भी इशू है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं है ना, नहीं है तो आप लोग घर से इसको रिवाइज करके होगे, फिर इसका नेक्स्ट चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।